नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी रेट्रूस पर और आप देख रहे हैं वर्डप्रेस जीरो टू हीरो 2020 एपिसोड नंबर 3, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वेब होस्टिंग के बारे में। और सबसे पहले मैं आप सभी का थैंक्स कर दूं, क्योंकि इस सीरीज को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। जैसे आप पहले के वर्डप्रेस सीरीज को देखते थे, उससे ज्यादा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं अपने तरफ से थैंक्स करना चाहूंगा, हिंदी रेप्टूर्स के टीम की तरफ से आप सभी को थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। और वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स जरूर करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज तो आप जरूर नीचे कमेंट्स करें। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन आंसर है तो डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, उसमें भी आप जरूर ज्वाइन हो जाएं। तो लेट नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम लोग बात कर रहे हैं वेब होस्टिंग के बारे में। तो जैसे ही हम लोग सुनते हैं वेब होस्टिंग, तो यहाँ पे एक्चुअल में दो चीजें हैं। एक होता है डोमेन, जिसके जरिए से हम किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, और दूसरा होता है होस्टिंग, जहाँ पे हम लोग का फाइल और अपना जो साइट है उसकी डेटाबेस रहती है। तो दोनों को अगर हम लोग मिला दें, डोमेन प्लस होस्टिंग, तो ये वेब होस्टिंग हो जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक वेबसाइट खोला है hostinger.in। हमने hostinger.in खोला है तो होस्टिंगर की साइट खुली है। अगर हम लोग GoDaddy की साइट खोलेंगे, यहाँ पे GoDaddy लिखेंगे तो GoDaddy की साइट खुलेगी। अगर मैं Facebook लिखूंगा तो Facebook की साइट खुलेगी, Google लिखूंगा तो Google की। तो इतना हमें समझ में आ गया है आज ये बिगनर्स कि आपको मालूम चलना चाहिए कि डोमेन नेम के जरिए ही हम लोग किसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो एक वेबसाइट में क्या होता है कि एक डोमेन नेम, उसके साथ साथ उसकी फाइलें होती है उस वेबसाइट की, और साथ ही साथ उसका डेटाबेस होता है। तो ये फाइल और डेटाबेस हम लोग को सर्वर में रखना होता है ताकि ये लाइव हो सके, पूरी दुनिया के लोग उसे एक्सेस कर सके। उसे ही सर्वर कहते हैं और इनडायरेक्टली हम लोग उसे यहाँ पे होस्टिंग ही कह रहे हैं। तो अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहूं तो मान लीजिए कि हमें एक घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए जमीन, और वो घर तक आदमी लोगों को पहुंचाने के लिए हमें चाहिए एड्रेस। तो वो जमीन है जिसके ऊपर हम लोग घर बनाएंगे, वो सर्वर है जिसे हम लोग होस्टिंग कह रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग को एक एड्रेस मिलेगा उस घर का, जिसके मदद से लोग अगर हमारे घर आना चाहे तो हमारे घर आ सकते हैं, हमारे वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक डोमेन, एक होस्टिंग। अब हम लोग जानते हैं कि डोमेन होस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं। वैसे अगर टेक्निकली देखें तो बहुत प्रकार के होते हैं, उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, अपना सर नहीं फोड़ना है। नॉर्मली जानते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मल हो जाता है शेयर होस्टिंग, और एक हो जाता है वीपीएस होस्टिंग, और एक हो जाता है डेडिकेटेड होस्टिंग। और आपने बहुत बार क्लाउड होस्टिंग भी सुना होगा, तो वो भी 19-20 ही है। और कभी कभी आपने वर्डप्रेस होस्टिंग या वूकॉमर्स होस्टिंग भी सुनी होगी। आज ए बिगनर हम लोग को शेयर होस्टिंग की ही जरूरत है। अगर हम लोग एक वेबसाइट स्टार्टिंग से बना रहे हैं, आपने पहले कभी वेबसाइट नहीं बनाई है, डोमेन नेम कभी नहीं खरीदी है, तो आपको शेयर होस्टिंग ही खरीदना चाहिए। बाकी जो वीपीएस है, वो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, वो थोड़ा सा शेयर होस्टिंग से अच्छा होता है, लेकिन उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होती है। और वो उनको चाहिए जो लोग पहले से थोड़ा बहुत वेबसाइट में काम कर चुके हैं, उनकी वेबसाइट में थोड़ा ट्रैफिक है, या फिर कोई बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं, या कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, या फिर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर बिजनेस की वेबसाइट हो गया, या फिर कोई न्यूज वाली वेबसाइट हो गई, या फिर फूड डिलीवरी नेटवर्क का कोई साइट बन रहा है, तो इस टाइप में वो वीपीएस में जा सकता है। और उसे थोड़ी अगर पूरी तरह से एक इंडिया लेवल की कोई स्टार्टअप कर रहा है, या फिर बहुत अच्छा उसकी बिजनेस चल रहा है, तो डेडिकेटेड सर्वर उधर हम लोग को जाना ही नहीं है, हम लोग शेयर होस्टिंग में ही स्टॉप करेंगे। तो चलिए कुछ कंपनी को हम लोग देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी कंपनी है जहां से हम लोग शेयर होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, वो है बिगरॉक। ये इंडियन बेस्ड कंपनी है और यहाँ पे हम लोग को शेयर होस्टिंग और साथ ही साथ हम लोग को वीपीएस और डेडिकेटेड होस्टिंग मिल जाती है। तो आज ये सीरीज को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग शेयर होस्टिंग की ही बात करेंगे। तो हम लोग होस्टिंग में जाते हैं, यहाँ पे शेयर होस्टिंग लिखा हुआ है। लिनक्स शेयर होस्टिंग मिलती है और विंडोज की भी शेयर होस्टिंग मिलती है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं, पीएचपी पे काम करते हैं, तो आपको लिनक्स शेयर होस्टिंग पे ही रहना चाहिए। तो बहुत सारे कंपनी जो लोग विंडोज भी बेचते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं लिनक्स और विंडोज, नहीं तो नॉर्मली शेयर होस्टिंग ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिनक्स होस्टिंग, और अगर राइट साइड में देखेंगे तो वर्डप्रेस होस्टिंग है। मैंने कहा था वर्डप्रेस होस्टिंग बिल्कुल नहीं लेना है, अगर आप बिगनर्स हो तो वर्डप्रेस होस्टिंग, ई कॉमर्स होस्टिंग, ये सब आपको लेना ही नहीं है। आप शेयर होस्टिंग पे जाओ, सबसे बढ़िया रहेगा, कम प्राइस होती है, आप सीख रहे हो। आप जब सीख जाओ, यार ये सीरीज खत्म हो जाए, आप अपने लिए वेबसाइट बनाओ, लोगों के लिए बनाओ, उस टाइम में आप जानकारी ले सकते हो। बाकी अगर आपको वेब होस्टिंग के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल हिंदी डेप्टूर्स पे होस्टिंग सीरीज भी है, आप जाके वहां पे वेब होस्टिंग के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ पे इनका नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, चार्ट भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप कंपनी से शेयर होस्टिंग वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और एक सीक्रेट मैं बताता हूँ कंपनी का, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो मैं हमेशा
हमेशा कंपनी के सीक्रेट बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं प्राइसिंग, कभी भी ये प्राइसिंग देख के आप मोह माया में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग लिखा हुआ है ये स्टार होती है, एक्चुअल में ये प्राइस नहीं है। यहाँ पे आप नीचे देखिए कि अगर आप 3 साल के लिए खरीदेंगे तो 119 करके पर मंथ पड़ेगा, अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो 5 साल के लिए खरीदेंगे तो 99 पर मंथ पड़ेगा। तो एक्चुअल में इसका जो कॉस्ट है अगर 1 साल के लिए लिया जाए तो 200 रुपये का है, और ये वाला तो और भी ज़्यादा का होगा। इसको देखते हैं हम लोग, 1 साल के लिए अगर लिया जाए तो ये 300 रुपये का है, और इसे अगर 1 साल के लिए लिया जाए तो ये 350 रुपये का, मतलब 370, और अगर इसको 3 महीने के लिए लिया जाए तो 450 का है। तो ये सब देख के उसके बाद आपको खरीदना है। अब अगर आपको वेब होस्टिंग खरीदना है तो आपको 3 चीजों की ध्यान रखनी है, वो आराम से आप सुन लीजिए। पहली बात, आपको डोमेन फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी कंपनी डोमेन फ्री में ऑफर करते हैं, तो आप डोमेन फ्री में जहां पे मिल रहा होगा वहां पे ले सकते हैं। दूसरी बात, आप उसकी सपोर्ट देखेंगे, कंपनी का फोन नंबर वगैरह, चैट वगैरह ऑप्शन है कि नहीं, थोड़ा आप गूगल करके उसका रिव्यू वगैरह, यूट्यूब में रिव्यू वगैरह पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा अच्छा कंपनी होना चाहिए और ब्रांड होनी चाहिए, क्योंकि बिगनर से ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है सर्वर का, तो आप अच्छी ब्रांड कंपनी से ही ले। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो अपना सर्वर भी बिठा सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार सीखने के लिए, आप बिगनर्स हैं तो आपको बिगनर्स की तरह ही गाइड किया जा रहा है। और बाकी जो लोग हमारे पहले के स्टूडेंट हैं वो लोग वेब होस्टिंग सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, हिंदी रेप्टूस में उसकी बंदोबस्त है। और एक बात कि आपको SSL और बैकअप जरूर मिलना चाहिए। आप जब भी खरीदो तो SSL देखो, अगर SSL आपको फ्री में मिल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि बिना SSL का आजकल गूगल भी आपको रैंक नहीं करता है, तो आपके पास में SSL मिलना ही मिलना चाहिए। तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि कंपनी में आपको फ्री डोमेन, फ्री SSL और बैकअप, ये तीनों मिलना चाहिए, और साथ में अच्छा सपोर्ट होना चाहिए। तो आप उस कंपनी से बात करके उसकी जितनी भी प्लान और प्राइसिंग है वो देख के आप खरीद सकते हैं। और मैं किसी भी कंपनी को इस वीडियो में किसी भी कंपनी को रेफर नहीं कर रहा हूँ, या तो ना ही मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी भी कंपनी का डोमेन होस्टिंग खरीद सकते हैं। दूसरा एक कंपनी है जो ब्लू होस्ट है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे होस्टिंग, तो शेयर होस्टिंग, VPS होस्टिंग और डेडिकेटेड होस्टिंग। देखिए अच्छी कंपनी है, लोगों को ज्यादा कंफ्यूज किया नहीं, ये तो इंडियन कंपनी है इसलिए बहुत ज्यादा लिख दिया इसने, अलग अलग तरीके का लिख दिया ताकि लोग कुछ ना कुछ खरीद ले, ई कॉमर्स होस्टिंग खरीद ले, वर्डप्रेस होस्टिंग खरीद ले, ऐसा नहीं। देखिए ब्लूहोस्ट बड़ी कंपनी है, और वर्डप्रेस के साइट में अगर हम लोग जाते हैं तो वो लोग ब्लूहोस्ट को रेकमेंड करते हैं, wordpress.org वाले इनके साथ में हाथ मिलाए हुए, तो अच्छी कंपनी है। और अगर यहाँ पे हम लोग नीचे देखेंगे, नीचे नहीं हम लोग ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे होस्टिंग में जाएंगे, शेयर होस्टिंग देखेंगे हम लोग, शेयर होस्टिंग देखेंगे तो यहाँ पे प्लान चूज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे आप बेसिक प्लान, प्लस प्लान, चॉइस प्लान और प्रो प्लान, नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो वेबसाइट है, SSD स्टोरेज है, देखिए यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट दिया है जो हम लोग को चाहिए ही चाहिए, और हम लोग को चाहिए बैकअप, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बैकअप, यहाँ पे साइट बैकअप भी दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग को चाहिए था फ्री डोमेन नेम, तो यहाँ पे ऐसा कुछ डोमेन का लिखा नहीं है, तो आप डिटेल्स देख सकते हैं, अगर आपको डोमेन फ्री में मिल रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपके थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं। तो जो कंपनी अच्छा लगे, मैं आपको बस कंपनी का थोड़ा थोड़ा वेबसाइट वगैरह दिखा रहा हूँ, तो आपको आइडिया आ जाए कि वेब होस्टिंग की कंपनी कैसे होते हैं, क्या क्या उसकी ऑप्शन रहती है, और बाय करना बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे आप फ्लिपकार्ट में बाय करते हैं वैसे ही बाय करेंगे। और एक कंपनी होस्टगेटर, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ पे भी आप इसका प्लान देख सकते हैं। इसमें वेब होस्टिंग में जाइए, लिनक्स शेयर होस्टिंग, विंडोज शेयर होस्टिंग, क्योंकि ये विंडोज भी बेचता है, और क्लाउड एक आता है, तो क्लाउड की मैं कहानी बता दूं, नॉर्मल शेयर होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग में थोड़ा सा फर्क रहता है, तो उतना डीप में हम लोग को जाना नहीं है, बस इतना समझिए कि क्लाउड होस्टिंग थोड़ा महंगा रहता है, तो अभी आपके लिए नहीं है, आप नॉर्मल शेयर होस्टिंग में रहे। जब आप रियल में साइट बनाने लगेंगे या कुछ काम का साइट बनाएंगे तो उस टाइम में क्लाउड होस्टिंग भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और ये वर्डप्रेस होस्टिंग तो मैं आपको मना ही कर देता हूँ, वर्डप्रेस होस्टिंग लेना ही नहीं है, ई कॉमर्स होस्टिंग आपको या वू कॉमर्स होस्टिंग आपको लेना ही नहीं है, आज ए बिगनर्स ये सब बिल्कुल नहीं लगना है। जब आप वर्डप्रेस के डेवलपर बन जाएंगे तो आपको कोई सिखाने पढ़ाने नहीं आएगा, आपको मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा आपके सिचुएशन के हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके टाइमिंग के हिसाब से, जैसा आपका बनेगा उस हिसाब से आप कोई भी होस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे। सभी होस्टिंग अच्छी होती है, लेकिन प्रोजेक्ट वाइज, सिचुएशन वाइज, बजट आपका कितना है उस हिसाब से हम लोग चूज करते हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फिलहाल आप लोग बिगनर से शेयर होस्टिंग में चिपके रहिए, आपके लिए बढ़िया है। यहाँ पे हम लोग VPS देख सकते हैं, डेडिकेटेड देख सकते हैं। VPS थोड़ा कॉस्टली होता है तो देख के भी फायदा नहीं है, लेकिन आप लोग आके चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको कंपनी और वेबसाइट दिखा रहा हूँ। और एक कंपनी है GoDaddy, इसे तो कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं, TV तक में इसकी एड आते रहती है, तो आप लोगों ने GoDaddy देखा होगा, तो इसकी भी प्लान है। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे होस्टिंग, तो हम लोग होस्टिंग पे जाएंगे तो ये हम लोग को प्लान दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग नीचे आ सकते हैं, देखिए यहाँ पे वेब होस्टिंग है, बिजनेस होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, साइट मैनेजमेंट, VPS, डेडिकेटेड। तो मेन तीन ही आपको होते हैं, मैंने बोला था आपको 3 टाइप के होते हैं, और बाकी और भी टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम लोग को जानना भी नहीं है। तो VPS होस्टिंग हो गया, डेडिकेटेड होस्टिंग हो गया, और वेब होस्टिंग हो गया। वर्डप्रेस होस्टिंग हमने मना किया है, वो आप सीख जाएंगे, डेवलपर बन जाएंगे या वेब डिजाइनर बन जाएंगे,
या आप अपने लिए वेबसाइट बनाएंगे रियल में, तब की बात है, तो उधर हम लोग को बात करनी ही नहीं है। अगर आपको वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग या फिर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे एक होस्टिंग सीरीज है, उधर आप जाके देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक करेंगे और वेब होस्टिंग पे जाने के बाद में हम लोग देख सकते हैं इसके सारे प्लान। और हमेशा याद रखिएगा, इधर देख के नहीं खरीदना है। जब आप एड टू कैट करेंगे तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कितने दिन के लिए आपको चाहिए। 1 साल के लिए कोई भी वेब होस्टिंग, अगर कोई मुझसे पूछे तो 1 साल के लिए खरीदना ठीक है। लोग चार चार पाँच पाँच साल के लिए खरीद लेते हैं गलती से। अरे यार, 5 साल तक हम लोग को मालूम क्या अपना वेबसाइट जिंदा भी रहेगा? हम लोग जिंदा रहेंगे ना 5 साल तक, 4 साल तक? इतने साल तक कोई 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 गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, मान लीजिए कि आप जिंदा भी रहते हैं और आपकी वेबसाइट और बिजनेस भी जिंदा रहती है, तो आप बता सकते हैं कि विजिटर आज अगर 10 आ रहे हैं तो कल कितने आएंगे, परसों कितने आएंगे? वो सब तो कोई देखता ही नहीं है। तो वैसे नहीं करना है, 1 साल के लिए नॉर्मल सही होता है, क्योंकि डोमेन 1 साल का मिलता है तो होस्टिंग भी 1 साल का खरीदना चाहिए। तो आप गोडेडी आ सकते हैं और इनका भी कॉल सपोर्ट है, आप बात कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से खरीद सकते हैं। और लास्ट एक कंपनी मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि हमारे होस्टिंग पार्टनर भी है। Hostinger.in पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे होस्टिंग लिखा हुआ है, होस्टिंग पे क्लिक करेंगे, शेयर वेब होस्टिंग। इधर क्लाउड वेब होस्टिंग है, लेकिन आज ए बिगनर्स मैंने आपको मना किया है क्लाउड होस्टिंग तरफ जाना नहीं है। आज ए बिगनर्स हम लोग को क्लाउड होस्टिंग तरफ देखना ही नहीं है। नीचे वर्डप्रेस होस्टिंग भी मिलता है, मैंने कहा है वर्डप्रेस होस्टिंग, वूकॉमर्स होस्टिंग हमें देखना नहीं है। बस शेयर होस्टिंग जो है वो हमारे सीरीज के लिए बेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, बिगनर्स के लिए बेस्ट है। यहाँ पे बीपीएस भी है, अगर थोड़ा बहुत जिसके पास ज्यादा पैसे हो जाते हैं वो लोग बीपीएस खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन नहीं है। आज ए बिगनर्स आप शेयर होस्टिंग में ही रहिए। नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे शेयर होस्टिंग का दिखा रहा है, 3 है, और जो भी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है आप नीचे इसका डिटेल्स देख सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो इस टाइप का रहेगा, लेकिन आप नीचे यहाँ क्लिक हियर करके इसका ऑल फीचर्स देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो सारा फीचर्स दिखेगा, और ये तीनों क्या क्या चीज देती है नहीं देती है ये सारा मैंने होस्टिंगर का रिव्यू बना दिया है। तो मैं फिर से होस्टिंगर के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, हमारे चैनल पे है वीडियो होस्टिंगर रिव्यू, या यूट्यूब में आप लिखिए होस्टिंगर हिंदी रेप्टूर्स और आपको रिव्यू वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल्स बता दिया। शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहला वाला खरीदना ही नहीं है, क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं है, इसमें SSL नहीं मिलता, और बिना SSL का गूगल भी रैंक नहीं करेगा, आपको HTTPS ये वाली ताला मिलेगा नहीं। तो हमें बहुत जरूरी होता है SSL रहना चाहिए, डोमेन नेम फ्री में नहीं मिलेगा और बैकअप भी नहीं मिलेगा। तो ये वाला पैकेज थोड़ा काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ मिलता नहीं। आप प्रीमियम वेब होस्टिंग वाली ले सकते हैं या बिजनेस वेब होस्टिंग वाली ले सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल बजट है आप प्रीमियम पे जाइए, और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिजनेस वेब होस्टिंग पे जाइए। और इस सीरीज पे जो मैं डोमेन होस्टिंग यूज करने वाला हूँ वो प्रीमियम वेब होस्टिंग पैकेज होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर, अगर मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं तो स्कूल में हूँ, या फिर मैं अभी तक 12th के अंदर ही हूँ, या फिर मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को जैम सर्वर, लोकल सर्वर के बारे में बताया था। आपको याद होगा, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये हमारा जैम सर्वर, आपके लिए ये सर्वर है। बस इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होगा कि लोकल सर्वर में आप वेबसाइट बना के आप खुद ही देख सकते हैं, आप दूसरे को लाइव में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि लाइव करने के लिए ही डोमेन होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का कोई भी पैकेज आप खरीद लो, डोमेन होस्टिंग अच्छा रहेगा। बस ध्यान रखना SSL होना चाहिए और बैकअप, और डोमेन आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर आप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग खरीदते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप हमें डिस्कॉर्ड में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, यहाँ पे वेब होस्टिंग के लिए सेपरेट चैनल है, आप आके हमसे बात कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन आप बता सकते हैं, आपके बिहाफ में हम कंपनी से बात करेंगे और आपका जो प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और वैसे इस वीडियो में मैं आपको बाय करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बाय करना बहुत आसान है। तो जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह में कपड़े वगैरह, शू वगैरह सब कोई बाय करते ही करते हैं, और जो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, खास करके मुझे तो जो फॉलो करते हैं वो सब एक्सपर्ट है ये सब में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह से बाय करते हैं। नीचे यहाँ पे एड टू कैट लिखा है, एड टू कैट जाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट मारना है, उधर खत्म कर देना है, तो कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जब आप बाय कर लेते हैं और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आप सपोर्ट, आप सेटअप वगैरह नहीं कर पाते हो, डोमेन होस्टिंग सेटअप नहीं कर पाते हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉन्टैक्ट करो, डिस्कॉर्ड में आ जाओ, हम आपको मदद करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर पार्टनर्स के बारे में, जिनके मदद से ये वीडियो कोर्स को मैं बना पाया हूँ, और ये कोर्स को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम सभी स्टूडेंट को पहुँचा पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे होस्टिंग पार्टनर Hostinger.in, Hostinger.in, और जहाँ पे आपको मिलती है बजट प्राइस में हाई परफॉर्मेंस वेब होस्टिंग, और साथ ही साथ आपको मिलता है फ्री डोमेन, और साथ ही साथ आपको मिलती है फ्री SSL। और आपको चाहिए बेस्ट ऑफर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाएंगे तो आपको ऑफर चल रहा हो नहीं चल रहा हो फिर भी आपको ऑफर, बेस्ट ऑफर मिलेगी। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा एक कूपन कोड यूज करने का, कूपन कोड है WD स्टूडेंट, जहां पे आपके जितनी भी बिल होगी वहां से एक्स्ट्रा 15% ऑफ आपको और मिलेगी। और अगर आप वर्डप्रेस में बनाना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया वेबसाइट डिजाइन,
तो फिर आप यूज कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो, जो कि है हमारे पेज बिल्डर पार्टनर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और इसके ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको अपने डिजाइन पे चार चांद लगाना है तो आप यूज कर सकते हैं क्रोको ब्लॉग, जो कि एलिमेंटर का एक पेड एड ऑन है, जिसके मदद से आपको मिलेगी बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट और बहुत सारे फंक्शनैलिटी। और अगर आपको चाहिए अपने वर्डप्रेस में हाई सिक्योरिटी तो आप यूज कर सकते हैं आस्त्रा वेब सिक्योरिटी, जो हमारे सिक्योरिटी पार्टनर हैं। आप अपने वेबसाइट को कर सकते हैं फुली सिक्योर और आप बच सकते हैं अटैकर से, हैकर से, और क्लीन कर सकते हैं आप अपने वेबसाइट को मालवेयर से। हमारे स्पॉन्सर को मैं थैंक्स करना चाहूंगा, क्योंकि इनके मदद से ही हम ये वीडियो ट्यूटोरियल कोर्स बना पाए हैं आपके लिए, वो भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे, वो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आपके लिए बनाया गया है स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के दौरान आपको जो भी डाउट्स होगी उसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं hindidevtools@gmail.com पे। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको इस तरह के और भी कोर्सेज देखना है, तो आप भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट्स की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्डप्रेस की वीडियो कोर्स बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके जो भी क्वेश्चन आंसर हो, जो भी सुझाव हो, उसके लिए आप कमेंट्स जरूर करें। अगर किसी भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हड़बड़ी है, उसे आज की आज ही अगर वर्डप्रेस सीखना है, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकता है। हमारा पहले का वर्डप्रेस कोर्स, जो कि कंप्लीट वर्डप्रेस कोर्स है, उसमें लगभग 70 वीडियो हैं, वो आज का आज ही सारे वीडियो देख के वर्डप्रेस सीख सकता है। साथ ही साथ अगर उसको ई कॉमर्स साइट बनाना है तो ई कॉमर्स ट्यूटोरियल की सीरीज भी बनी हुई है, वो देख सकता है, जो कि एक कंप्लीट है, उसमें लगभग 22 वीडियो है, वो अपना ई कॉमर्स साइट बना सकता है। और अगर आप में है पेशेंस तो आप ये नया कोर्स को हमारे साथ देख सकते हैं और सीख सकते हैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस जीरो टू हीरो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।